हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में बात करेंगे टू ऐसे ईएमए जी हाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जी हाँ, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और आज का जो मार्केट था वो फुली साइडवेज मार्केट था, लेकिन ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आपके लेवल और दोस्तों आपके यहाँ पर टू ईएमए अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा ये कोर्स बाय नहीं किया तो जरूर करिएगा। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पर फिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स जरूर बाय करिएगा, मात्र 1999 रुपए। यानी कि मेरी 4 साल की मेहनत मैं आपको मात्र 1999 रुपए में प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा सेटअप बनाया गया स्टेप बाय स्टेप, जिसे अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि अपनी मेहनत की कमाई या अपने घर वालों की मेहनत की कमाई बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग में मत लाइए। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बाइंग एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पर मार्केट, दोस्तों मैंने देखा है कि ये यहाँ पर अगर इसका एक बार सस्का लग गया ना, ऑप्शन ट्रेडिंग का किसी को भी एक बार सस्का लग गया ना, वो सोर भी नहीं सकता है। तो इसके लिए अगर दोस्तों आप यहाँ पर डेली एसएल देने की बजाय एक बार 1999 रुपए देकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी यहाँ पर दोस्तों सारी जितनी भी यहाँ पर लॉसेज मनी है उसको कवर कर सकते हैं। देखिए इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर ट्रेड है, यहाँ पर जो भी मैं ट्रेड करता हूँ तो ये ट्रेड देखिए सारे के सारे यहाँ पर देखिए एक मंथ में खाली 3 ही ट्रेड लॉस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस महीने भी 3 ट्रेड लॉस में है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल कैसे हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं। और ये कभी कभार जो लॉसेज हुए हैं तो ये छोटे छोटे लॉसेज हुए हैं और इन लॉस को भी यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे ही दिन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सारा कुछ बताया गया है, आप इस कोर्स को बाय जरूर करिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। देखिए मार्केट आज ओपन होता है, हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और मार्केट ओपन होता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर यानी कि मार्केट एक गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ पर एक यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट एरिया क्रिएट करता है और इसके बाद में यहाँ से मार्केट अपने टारगेट तक जाता है। यहाँ पर हमारा लेवल था और हमें पता था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और ये कॉल हमने यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए ऑप्शन में मैं आपको लेकर चलता हूँ और ये कॉल हमने यहाँ पर बनाई थी। इस कॉल का हमारा क्या टारगेट था, किस प्रकार से टारगेट था, तो यहाँ पर ये कॉल हमारी देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमारी एक परफेक्ट ट्रेड लाइन आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस परफेक्ट ट्रेड लाइन के पीछे हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो तो यही था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ऑल टारगेट यहाँ पर जो थे वो यहाँ पर दोस्तों ये 40 पॉइंट का नॉर्मली टारगेट था और 40 पॉइंट का पूरा टारगेट अचीव हुआ। तो ये टारगेट अचीव कैसे होते हैं, ये यहाँ पर ओनली फॉर यहाँ पर टू ईएमए से है। और दोस्तों अगर आप हमारा कोर्स खरीदते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ समझ आ सकता है। और ये ईएमए कौन सा है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 20 का ईएमए हम यूज करते हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पर ये 12 का ईएमए यूज करते हैं और फ्यूचर में हम 20 का ईएमए यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो फ्यूचर में आपको यहाँ पर क्या करना है 20 का ईएमए यूज करना है। ईएमए लगाने के बाद में आपको एंट्री कब लेनी है, और इससे पहले आपको अगर नहीं पता है कि लेवल कैसे ड्रॉ करता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आई बटन में वीडियो दे रखा है लेवल कैसे ड्रॉ करें, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरी की पूरी डिटेल समझ आएगी आ जाएगी कि मार्केट में लेवल कैसे यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो हमारे लेवल हमेशा परफेक्ट तरीके से वर्क करते हैं, मैं आपको सारे के सारे लेवल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लेवल देख सकते हैं, तो हमारे लेवल का पूरी तरह से मार्केट में पालन होता है। ठीक है, तो हम डेली लेवल नहीं ड्रॉ करते हैं और लेवल के हिसाब से मार्केट में काम करते हैं। तो आज हमें समझ आ गया कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुका है और साइडवेज मार्केट में आपको काम नहीं करना है, और अगर आपको ऐसे ट्रेड करने हैं तो हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से करिए। तो हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से आज कौन कौन से ट्रेड बने, एक तो यहाँ पर ये सीए का ट्रेड बना और एक यहाँ पर ये पीए का ट्रेड बना और एक यहाँ पर ये सीए का ट्रेड बना, यानी कि हमारे 3 ट्रेड बने। तीनों ट्रेड में कितने कितने प्रॉफिट हुए ये भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये देखना भी जरूरी है। मार्केट में दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना काफी हार्ड है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर एक बार आप पैसा बनाना सीख गए ना तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और मार्केट में ये चीज मत देखिए, 100 इंडिकेटर लगाना भूल जाइए, आपका कोई भी एक फेवरेट चीज को पकड़िए, कोई भी एक फेवरेट कोर्स आप यहाँ पर सीख लीजिए, उसके बाद में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, वाकई बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। तो यहाँ पर कितने 40 पॉइंट डन हुए, और यहाँ पर ये देखिए वापस ये सी की पोजिशन बनी यहाँ पर दोस्तों एक छोटे से एसएल के साथ, यानी कि हमारा एसएल कितना था, यानी कि यहाँ पर 200 यहाँ पर 60 पे कॉल बाई हुई है, और दोस्तों यहाँ पर आपका एसएल था जो कि यहाँ पर एक बट एसएल आपका रहेगा यहाँ पर 20। ठीक है, तो ये 30 पॉइंट का एसएल था और यहाँ पर जो टारगेट मिला था वो इंस्टेंटली टारगेट मिल गया 260 से यहाँ पर आपका 350 तक का, यानी कि यहाँ पर आपका 90 पॉइंट का टारगेट मिला इसमें। और एक सेकेंड कॉल और बनी थी वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं,
ये कॉल थी, और इसके इसके बाद में ये वाली कॉल कौन सी थी, सी में बनी थी, ठीक है, वो वाली सी की कॉल बनी थी, उसमें कितने पॉइंट एंड हुए। तो यहाँ पर जो सी में कॉल बनी थी वो 300 से कहाँ तक कितने पे एक्टिव हुई थी, जो कि हमारी यहाँ पर ये कॉल 300 से ये कॉल कहाँ तक गई है, यहाँ पर 344, लेकिन हमारा टारगेट क्या था, 360 का था, 44 गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस ट्रेड में हमें लॉस तो नहीं हुआ ना, तो हमें यहाँ पर लॉस तो नहीं हुआ मार्केट में, यहाँ पर हमें प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। तो इस ट्रेड को अगर हमने सी टू सी एग्जिट किया ना, सी टू सी भी एग्जिट किया ना, तो भी हम टोटल प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ पर 40 यहाँ पर ये हो गए, तो यहाँ पर 130 पॉइंट तो यहाँ पर नॉर्मली हमें बुक हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेते हैं तो हमें काफी ये भी पॉइंट बुक हो जाते 40 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर ये सी टू सी एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम नहीं आया। हमने सोचा कि यहाँ पर मार्केट ये टारगेट जरूर अचीव करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये स्ट्रेटजी है ये मार्केट में एक यूनिक तरह से वर्क करती है। आप भी इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को यूज करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन में आपको 12 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना है, और यहाँ पर फ्यूचर में 20 का, और आपको यहाँ पर ट्रेड लाइन के हिसाब से ही ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर ये 3 स्विंग्स ब्रेक होते हैं तभी एंट्री लेनी है, अदरवाइज कोई भी एंट्री नहीं लेनी। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक ये सपोर्ट ड्रॉ किया था। ये किस लिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस लिए ड्रॉ किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए ड्रॉ किया कि मार्केट में देखिए, हमने कहा ये फर्स्ट कॉल तो हमारी बन गई, अब सेकंड कॉल अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज देगा ना, ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज देगी नहीं कहीं भी, तभी हम यहाँ पर पुट साइड जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से साइडवेज था, और साइडवेज मार्केट में यहाँ पर हमारा एक लेवल ड्रॉ कर रखा था ये वाला। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता, परफेक्ट तरीके से सिग्नल देता, परफेक्ट तरीके से हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक होती, तब यहाँ पर हम पुट साइड आते, अदरवाइज हमने कोई पुट साइड का प्लान किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर भी ये चीज ड्रॉ की थी कि यहाँ पर ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, मार्केट यहाँ पर बार बार आएगा लेकिन इसको ब्रेक नहीं करेगा, और इसको अगर ब्रेक करता है तो इंस्टेंटली आपको 100 पॉइंट अपसाइड के लिए यहाँ पर आराम से मिल जाते, ठीक है। तो ये चीजें मार्केट में दोस्तों समझने के लिए है, सोचने के लिए। अगर आप जितना यहाँ पर मार्केट में क्रिएटिविटी रहोगे, आप मार्केट में जितना यहाँ पर सोचोगे, और जितना मार्केट में दोस्तों आप सोच समझ कर ट्रेड करोगे, उतने ही आपके ट्रेड परफेक्ट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक कैंडल ग्रीन बनी और दूसरी कैंडल ग्रीन बनते ही आपने एंट्री ली और यहाँ पर आपको सलो इसमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट में आपको यहाँ पर सीधा का सीधा यहाँ पर 40 पॉइंट का लॉस हो गया, तो आपने कहाँ प्रॉफिट किया। तो ऐसे मत करिए, मार्केट में प्रॉपर तरीके से फर्क कीजिए, प्रॉपर तरीके से पैसा बनाइए, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर आराम से बन सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर काफी मुश्किल काम है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, ऐसी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।